हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो राजस्थान पीसीएस के पार्ट टू के बारे में जो पहले पार्ट में है उसमें कुछ क्वेश्चन को मैंने बता दिया है और कुछ क्वेश्चन को अभी बता देने जा रहा हूँ। तीसरे पार्ट में कंप्लीट हो जाएगी। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और आंसर को मिला लें। पसंद आने पर लाइक, नए लोग को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर बटन दबाना ना भूलें। तो जो पहले बता चुका हूँ उसके क्वेश्चन के बारे में नहीं बताऊँगा, जो उसके अलग है तो पहले पार्ट के वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेलुलोसी रेशे का उदाहरण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा नायलोन। दूसरे नंबर का बता चुका हूँ, तो जो नहीं बताया हूँ वही बताऊँगा। उसके बाद जो है छठे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। पश्चिमी राजस्थान में गरीबी कम करने के लिए चलाए जाने वाला कार्यक्रम MPOWR किसके द्वारा समर्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीन नंबर, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष IFAD तथा रतन टाटा ट्रस्ट द्वारा। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तो बता दिया हूँ फर्स्ट पार्ट में ही। निम्नलिखित में से कौन सा पाली हर्बल उत्पाद रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित नहीं किया गया है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? नाक डोरना। तीन नंबर, कंप्यूटर की मशीनी भाषा आधारित है किससे हो जाएगा? बूलियन बीजगणित। ब्लूटूथ तथा वाईफाई में निम्नलिखित से कौन सा अंतर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा। इस संदर्भ में दोनों कथन ब्लूटूथ 2.4 GHz आवृत्ति पर प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई 2.4 GHz अथवा 5 GHz GHz आवृत्ति पर प्रयुक्त करता था। ब्लूटूथ केवल बेतार स्थानीय क्षेत्रीय जाल WLAN के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि वाईफाई केवल बेतार विस्तृत क्षेत्रीय जाल के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। ये तो बता ही दिया हूँ 11 नंबर। और इसका जो है बहुत सिंपल है, ये इसको पकड़ने के लिए तो कॉलम ए कर दो, तो एक ही से पकड़ा, चीनी जो है कि वो सुक्रोज होता है तो उसी से पकड़ा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी का, आपको दो हो जाएगा। तो डी का दो सिर्फ एक में है तो तीन में है। तो दाछा शर्करा ग्लूकोज हो जाएगा, फल शर्करा फ्रुक्टोज हो जाएगा, दुग्ध शर्करा लैक्टोज हो जाएगा, और चीनी तो सुक्रोज बताया ही, और शिटिवा क्या हो जाएगा? प्राकृतिक स्वीटनर हो जाएगा। मानवों में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता उत्तरदायी है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम के लिए। मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कहते हैं, क्या कहते हैं? चार हो जाएगा, कार्बन पदचिह्न। 15 नंबर देखते हैं, भारत का पहला दृश्य सीमा से परे VVR हवा से हवा में मार करने वाला स्वदेशीय डिजाइंड एवं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया प्रक्षेपास्त्र है कौन सा है? तीसरा नंबर हो जाएगा, अस्त्र है। ये बता दिया क्वेश्चन पहले वीडियो में। 17 नंबर, एक गन जिसकी कम से कम एक बीमा 10.-7 मीटर से कम हो कहलाता, क्या कहलाता है? नैनो पार्टिकल। ये भी बता दिया हूँ। ये क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंपोस्ट के संदर्भ में नहीं है? तो तीसरा नंबर आंसर हो जाएगा, गड्ढे में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केचुआ धीमा कर देते हैं। ये बता दिया हूँ पहले ही। DNA फिंगरप्रिंट का प्रिंटिंग का आधार क्या है? तो क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, DNA बहुरूपता। और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, तो इसका जो है, इस कथन में कौन सा दो प्रकरण मिला है? आज भी वह मोटा और फिर भी वह तेज दौड़ता है, इसका परिकल्पना है। मोटर व्यक्तियों की मांसपेशियां कमजोर होती है, मोटे व्यक्ति की समानता तेज नहीं दौड़ सकते, तो इसका एक ही होगा, मोटे व्यक्तियों की मांसपेशियां कमजोर होती है। तो दो नंबर हो जाएगा, केवल एक कथन में अंतर्निहित है। उसके बाद जो क्वेश्चन है बता रहा हूँ,
ल्यू नैव ये जो ही के लिए कौन सा प्रयुक्त होगा, तो इसमें दो होगा डब्ल्यू आई आर। उसके बाद जो क्वेश्चन देखते हैं, हाँ एक क्वेश्चन मैथ का है। एक छोटे शहर की जनसंख्या 92,26,100 है, यदि यह 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी, तो 3 नंबर हो जाएगा 8,80,000 हो जाएगा। फिर देखते हैं 43 नंबर, भारतीय मूल की एक अमेरिकी महिला को संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी जनरल मोटर्स में मुख्य वित्तीय अधिकारी नामित किया गया, उसका नाम क्या, दिव्या सूरज देवरा। शरद कुमार राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के पूर्व महानिदेशक हाल ही में समाचारों में क्यों रहे, क्योंकि चौथा हो जाएगा, उन्हें केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया। उसके बाद ये सब क्वेश्चन हमने बता दिया है, 48 नंबर भी बता दिया है। उसके बाद आते हैं सब बता दिया हूँ पहले ही, आप फर्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। बरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है कहाँ है, पंडरपुर में है, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शासक गुज्जर प्रतिहार वंश से संबंधित नहीं है, तो डेपाल पाल वंश से संबंधित थे। उसके बाद क्वेश्चन जो है गवरी देवी वाला बता ही दिया, इसका आंसर मांड हो जाएगा। देसी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, कौन थी, उदयपुर। चाक भूमि के संपादक कौन थे, तो हरिभाऊ उपाध्याय, 2 नंबर हो जाएगा। 85 नंबर देखते, कामेश्वर मंदिर जो है, महादेव जो मंदिर है वो पाली में है, तो एक डी हो जाएगा। शीतलेश्वर कहाँ हो जाएगा, तो झालावाड़ में हो जाएगा। पिपला माता कहाँ हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, जोधपुर, नीलकंठ, अलवर, तो आपको 4 नंबर हो जाएगा आंसर। उसके बाद गर्सिया जनजाति संबंधित नृत्यशैली है, लूर है, 4 नंबर हो जाएगा इसका आंसर। अंठानवे नंबर भानगढ़ जो है इसी से पकड़ा रहा है, तो भानगढ़ कहाँ है, तो अलवर में है, तो सी का 4 हो जाएगा, तो आपको 2 नंबर आंसर हो जाएगा इसका 98 का। उसके बाद पदरा बाड़मेर में प्रस्तावित ऑयल रिफाइनरी किसका संयुक्त उपक्रम है, तो HPCL और भारत सरकार का। निम्नलिखित में कौन से खनिजों का राजस्थान लगभग अकेला उत्पादक राज्य है, तो और सह हो जाएगा सीसा, जस्ता एवं बोले स्टोनाइट, तो और सह 2 नंबर हो जाएगा। 107 बता ही दिया हूँ पहले। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो देखता हूँ,
निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि राजस्थान का क्षेत्र नहीं है? तो गंगा नहीं है, ऐश्वर्या, मंगला और सरस्वती है जो कि है। तो 145 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ये हो गया सेकंड पार्ट के। अगर जैसे ही पता चलता है तो तीसरे पार्ट भी जारी करूँगा। जैसे जैसे आंसर पता चल रहा है तो आप पहले पार्ट और दोनों पार्ट को मिला सकते हैं। तो लगभग 50 से 60 क्वेश्चन है जो कि आप मिला सकते हैं। तो धन्यवाद।